जिम्मेदारी भी बढ़ती है और बनती है कि हम उनका प्रोटेक्शन करें। और दूसरा जो आपने बोला, ये कुछ चीज़ें में हो रही है, जैसे कि कहीं पे अगर साउंड पोल्यूशन का वायलेशन होता है तो तुरंत हमें भी अब हम तुरंत उसका एक एप्लीकेशन, एक ऐप बेस्ड भी ये भी शुरू करने वाले हैं, तो तुरंत वो SMS मुझे भी मिलता है जो डिप्टी कलेक्टर या PI को जाता है वो कलेक्टर और SP को भी आ रहा है। सिमिलरली अगर कहीं पे हिल कटिंग का कंप्लेन वगैरह हो रहा हो तो हमारे इस पे आ रहे हैं। बाकी हर डिपार्टमेंट का ये तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ जो जी इम्पोर्टेंट जो क्रिटिकल इश्यूज है उसका तो अभी भी आ रहा है। मैम यहाँ वालपो या फिर बिचोली जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं या फिर पूरे गोवा के आप नॉर्थ गोवा पकड़ लो, वॉट वी सी बेसिकली देयर इज द क्राउड विच इज विजिटिंग मे मोस्टली ऑन द बाजार डे। से फॉर एग्जाम्पल इन वालपो इट इज ट्यूजडे, इन बिचोली इट इज वेडनेसडे। When we observe, I myself, I am a public servant, so I have observed it for last 10 to 12 years. There are several illiterate women, they visit this office with a hope that XYZ certificate, what she wants or what he wants, she will get it today or tomorrow. Basic problem information ka hi hai hamare paas, ki un logo ko pata nahi hai ki at which desk she should go. And there is no such person in that particular office who only informs. There is a person, there are LDCs, there are Talatis, secretaries, everybody sitting with a particular protocol or particular duties assigned to him. And he only looks after his file or her file. But nobody looks after the general information. What I feel basically is that the 50% of the crowd jo darwaze ke upar rehta hai, wo shayad andar aayega bhi nahi, agar usse sahi information darwaze ke paas mil jaye. So the crowd can be, this work can be taken up by any NGO. इट मे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अल्सो। सेकेंडली इन्होंने RTI की बात की थी, ये इनका फोरम बहुत अच्छी तरह से काम भी कर रहा है, लेकिन प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर जो है उसके 16 मैनुअल्स हैं, इंक्लूडिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग माई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट, गोवा हैज नॉट अचीव्ड दैट, कि यहाँ का 50% इंफॉर्मेशन दरवाजे के पास ही मिल जाए। इट विल बी पेंटेड इन द पर्टिकुलर बोर्ड और व्हाट ए पर्टिकुलर साइज। सो वो इन्फॉर्मेशन अगर आप हम डिस्प्ले नहीं कर रहे तो फिर वी कांट एक्सपेक्ट दैट इतनी गर्दी जाता हमारे यहाँ सका, यहाँ पे इतना क्राउड होता है सुबह सुबह कि मैं काम नहीं कर सकता। ये जो कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट की आती है उसके कॉज हम ही हैं, कहीं पर पब्लिक सर्वेंट ही है कि हम लोग वो पूरा नहीं कर रहे। तो RTI एक्टिविटी में या फिर इंफॉर्मेशन के मैक्सिमम अभी फ्रॉम अवर साइड, दो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम पब्लिक साइड, मे बी आई एम अ कॉमन मैन, एट द सेम टाइम आई एम लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। आज RTI का काम मिसयूज की वजह से बढ़ गया है, बिकॉज एट द टाइम यू मस्ट बी नोइंग यहाँ पे LAQ आता है, यहाँ पर बहुत बड़ा काम आता है, एट द सेम टाइम वी आर गिवन अ लॉट ऑफ RTI इंफॉर्मेशन सबमिशन वर्क, बिकॉज विद इन 30 डेज आई हैव टू सबमिट इट। तो वहाँ पर भी हम लोग किसी एक इंसान को दूसरे के साथ दुश्मनी होती है इसलिए वो कुछ मांगता है इंफॉर्मेशन और उसके पीछे मैं भागता हूँ पूरी दिन। सो वॉट अगर इसमें से आधी इंफॉर्मेशन हम उन लोगों को प्रोवाइड करें स्पॉन्टेनियसली हमारी तरफ से, तो क्या हमारे ऑफिसर्स का काम कम नहीं होगा? वर्कलोड ऑफ RTI और पब्लिक को सर्विस नहीं मिली। एंड थर्ड थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड एज ए कॉमन मैन और एज ए पब्लिक सर्वेंट, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज स्पेशली रेवेन्यू डिपार्टमेंट, से सपोज देर आर 10 रेवेन्यू और 11 रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ऑफिसेज, जोनल ऑफिसेज, एवरी ऑफिस हैज हिज ओन रूल। Because if you go to Walpo and ask Mr. Mamlekar that what is the formality for this or whether this mutation can be done or not, then what he says is totally different from the mutation process explained by Bichodin Mamlekar. So this is also a basic thing which I have felt. Now you may elaborate on this. One more part. And which means connected with RTI, because the issue which we discuss it on Sunday. RTI commissioner, because of the things which went wrong, gives fine to the PIO, and he pays also. There are many PIOs has paid, but whether that particular office take cognizance, means whether they punish that PIO, whether anything, demotion, something, action has been taken on PIO, as per our knowledge now, office doesn't take cognizance of that fine.
first point, okay, I'll then start with the RPI and then we'll move on. You're absolutely right, proactive disclosure should be there. I was also, in fact, going to mention that then because some other question came, it did not happen. Proactive disclosure is not happening, this is true. Wo karna chahiye, wo nahi ho raha hai. Websites are not being updated. We are not using the website at all. We are not using the website as a tool to reach out to people. Website is for that only. It is just a formality that you have made a departmental website and you leave it there. You don't even care to update the details. Everybody changes, everything changes, but we are not even updating that. In that regard, there are instructions from government that the latest amendments in each and every rule or each and every act that the department is dealing with, they should immediately upload it on the website. Proactive disclosure we are definitely not doing. We have a long way to go in that, absolutely. And if we do that, definitely the number of RTI inquiries will also come down. Sir, what you said is also absolutely right. There is no cognizance being taken. In fact, there is an attitude of sympathy. Arre, iske upar to fine aa gaya. It's as if some great tragedy has befallen that person and that we should all then sort of sympathize for that person. So that also... We are going to take a dharna on this, huh? Please inform me beforehand. Okay, now I remember what you said first about crowd gathering and about information. You are right that proper signages, proper information display in a uniform format is not there. It is there somewhere inside, some board is kept somewhere. Now we are uniforming, we are universalizing that format in Collectorate North, in the main Panjim office, Deputy Collector office and Mamlidar Panjim. We started it. We have put completely informative boards, but that is of course for the literate people, both in English and in English and Konkani we have covered, but that is for the literate people. Those boards will now be replicated. Already we have told the person concerned to reproduce those boards in each of the Mamlidar and Deputy Collector offices. So hopefully within the next 1 month you will see those signages and proper information. Which counter, each counter will be named. We don't have any counter numbers as of now. But we have realized that after starting that system in Collectorate and Deputy Collector and Mamlidar office Panjim, there's a lot of difference in the flow of people. The moment they get in, they know which counter to go because it is displayed in the board. Each desk, each table, each staff literally has a number. That number is displayed also. If you ever happen to come to Panjim on work or something, you can just take a look. And hopefully, as I said, within the 1 month that we have now in the month of June, by end of June, it will be there in Mamlidar office Walpoi also. Regarding illiterate people, actually what we need is an information desk. As you mentioned, in Collectorate, again, I'll give you the example, we have a district legal service authority volunteer. I think she is the person who meets maximum number of public in the office. The moment they enter into the Collectorate, she is the first person, and I've seen that always there are people in front of her. And she patiently explains. She tells people where to go. She even fills out forms for them. Ideally, we should have such volunteers in all offices. We are talking to the District Legal Service Authority because most of them are interns in law colleges, etc. This girl has been there for quite some time in Panjim office. I will again take up the issue. I was already in talks with them to give us more volunteers. That is a very good suggestion. We should do that. You also mentioned about the lack of uniformity in procedure. In the last 3.5 years, this is actually the most important priority that I was trying to pursue. Mutation process, it is my belief, I could be wrong, but mutation process, I think I have managed after a long time to streamline it. I issued repeated written instructions. I myself went and sat for 1 or 2 hours in each of the mutation cells in each office. And today I am told that more or less it is streamlined. But you are absolutely right, it may not be the case in something else. There is this lack of communication. Everybody is devising their own methods and means. That is absolutely wrong. There should be uniformity. There may be other issue areas. Mutation, I would slightly disagree, but other issue areas may be there where there is a lack of uniformity and it should be there. I completely agree with that. Hello. Madam, I am Dinesh Damle. First of all, I thank you for your attention that in such a small group, in Yogeshwari's temple, you have addressed yourself. And a very important topic is also going on. अभी 2019 इलेक्शन वर्ष मना रहे हैं, मतलब इट इज़ गोइंग टू कमिंग क्लोजर, सो यू मस्ट बी गियरिंग द ऑल द एक्टिविटीज़ एंड पहले से क्या हो रहा है कि जब भी इलेक्शन आता है तो अभी देखो, अभी जो भी काम करने का है वो टीचर्स के ऊपर आते हैं, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. आप प्लीज
नहीं नहीं, मैं उनकी संभावना आपके पास रख रहा हूँ। और ऐसा भी है कि देखिए, अपना अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो हमारा जनरेशन है, देखिए कहीं पे ड्राइवर के पोस्ट डिक्लेयर होती है तो हज़ारों एप्लीकेशन आते हैं, जबकि आपने देखा भी होगा कि सिविल इंजीनियर भी उसको पोस्ट को ये कर रहे हैं, मतलब देर इज़ ए जेन्युइनिटी इन वर्क, उनको काम नहीं मिल रहा है। और कहीं भी गवर्नमेंट आता है तो उसका क्या ध्यान रखता है कि एजुकेशन अच्छा रहे, सब लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम आगे जो बढ़ना चाहिए तो एजुकेशन इज़ मस्ट। सी आफ्टर, अभी देखो जनवरी फेब्रुवरी मार्च और एकेडमिक ईयर शुरू होने जा रहे हैं, तब से शुरू होगा कि पॉपुलेशन सेंसस आएगा, यू विल बी डिप्लॉइंग ऑल द टीचर्स, और वो अपने स्कूल पे ध्यान नहीं दे सकते, मतलब जहाँ भी जाएगा उनको उनको मालूम है ना कि अपने को इलेक्शन ड्यूटी है, मतलब सेंसस करने का है, वो भी वहाँ झूठ बोलते हैं, मतलब क्या करने का है तो ऑफिस में नहीं जाने का है। सो देर इज़ अ बर्डन ऑन देट, एंड उसी से क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा थोड़ा कम होने जा रहा है। अभी देखो परीक्षा के साल में ही इलेक्शन हो अभी आ सकता है, मब तो भी वही प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें कोई चेंजेस हो सकता है क्या? देखिए टीचर्स को इसलिए यूटिलाइज करना पड़ता है कि उनका नंबर ज़्यादा है, और इलेक्शन इज अ मैमथ प्रोसेस, वो ऐसा एक मीनिंग एक लड़ाई, एक वॉर को ऑर्गेनाइज करने की तरह है। या छोड़िए, वॉर तो नेगेटिव एग्जांपल बन गया, देवी के सामने बैठ के वॉर के बारे में नहीं, शादी, एक घर में अगर शादी ऑर्गेनाइज करना हो, आप सोचिए अगर बिचोलिम तालुका के हर घर में एक शादी एक ही दिन में ऑर्गेनाइज करना हो, और पूरे नॉर्थ गोवा साउथ गोवा को इकट्ठा करके एक दिन में हर घर में शादी होना हो, तो उसमें जितनी मेहनत और जितना आपको ये काम लगाना पड़ता है उतना काम इलेक्शन में होता है। तो अगर आप BLO का के काम के बारे में बोल रहे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जिनका काम थ्रू आउट द ईयर इनफैक्ट चलता है, तो उसमें से टीचर्स को अब हमने पूरी तरह से हटा लिया, क्योंकि बहुत हमने सुन लिया इलेक्शन डिपार्टमेंट CEO ऑफिस DEO ने हमें बहुत पूरा सुनने को मिला गवर्नमेंट से ही कि आप टीचर्स को परेशान कर रहे हो, तो हमने पूरे टीचर्स को हटा ही दिया है। अब कोई टीचर नहीं है जिसके पास BLO ड्यूटी है। बाकी जो पोलिंग टीम में जो है वो तो क्या है, एक दिन दो दिन ट्रेनिंग में जाना है, तीसरे दिन आपको जाके इलेक्शन पूरा दिन करवाना है, उसमें तो टीचर्स का रोल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जितने नंबर्स में टीचर्स है उतने नंबर में और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, और हम प्राइवेट आदमी को बिठा नहीं सकते इलेक्शन के लिए। लेकिन BLO ड्यूटी जो थ्रू आउट द ईयर चलता है उसमें तो एक्सेप्ट किया गया है, पोलिंग ड्यूटी से तो एक्सेप्शन नहीं होने वाला है। और आपने वही पॉइंट था, कुछ और भी आप मला वाटतं मॅडमनी बरेच प्रश्न या 2 तासात घेतलेले आहे आणि चांगल्या प्रकारे उत्तरही दिलेले आहे, त्याबद्दल त्यांना एक चांगल्या शाबासकी द्या टाळ्याने। आता शेवटचा लेडीज ने मैडम, मैं हुंडा गुरुकृपा कॉलोनी में रहने वाली हूँ, अभी घर बनाए 10 साल है, लेकिन हमारी रेजिडेंस सोसाइटी रजिस्टर नहीं होती, हमारे नेबर ने ही सब स्टेट डील का जेरोक्स एटेस्टेट किया, पैसा इकट्ठा किया, लेकिन उनकी सोसाइटी नहीं रजिस्टर हुई, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो थोड़ा। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा, क्यों सोसाइटी के अंदर में पूरा पैसा सब इकट्ठा हो गया आप बता रहे हो, फिर वो फॉर्मेलिटी ही करना है उनको। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है क्या कि सभी का घर है? मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से लोग सिंसियर नहीं है, वो जो लोग ये बनाना चाहते हैं वो सच में बनाना नहीं चाहते हैं। जी यस एग्जैक्टली, कि कुछ या तो उनको जो जानकारी जो दे रहे हैं उनको गलत जानकारी दे रहे हैं, या फिर इन लोगों ने बस पैसा इकट्ठा किया लेकिन सोसाइटी बनाने का कोई इरादा नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। जी तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अभी तक जो कोशिश कर रहे थे उनको बोले कि अब आप आगे इस कोशिश मत करो, और किसी और को जो सोसाइटी के अंदर में से ही किसी और को आप जिम्मेदारी दे दीजिए, वो जाके पूरा प्रोसीजर समझेंगे कि कैसे इसको करना है, और वो तो ज़रा सा भी उसमें मुश्किल नहीं है, वो आसान काम है, तो
तो उसमें दिक्कत नहीं पैदा होनी चाहिए मेरे ख्याल से। महिला पैकी आणि कोणाला विचारायचं आहे का एक प्रश्न? महिला पैकी सर, कारण मी विसरलो होतो एक काही महिला। आता शेवटचा एक त्या आल्याबद्दल एक थोडस अप्रिसिएशन। हम कभी भी कौन सा भी ऑफिस में सर्टिफिकेट नहीं तो कौन सा भी डॉक्यूमेंट पूछते हैं क्योंकि उसका टाइम लिमिट कुछ रहता है क्या? नहीं, क्यों? पाँच पाँच महीना तक हमको आंसर नहीं मिलता है, पहले हो लाइक दैट। सो सब ऑफिस में कुछ टाइम लिमिट का भी इम्पोर्टेंट चाहिए कि भाई 30 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वो मिलना ही चाहिए। ये कौन सा भी ऑफिस में नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये मुझे बताना भी चाहिए था, छूट गई। गोवा में ये टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी एक्ट इम्प्लीमेंट हुई है, इसकी भी जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है। ये भी सरकार की ही मीनिंग प्रशासन की ही कमी है कि लोगों को अभी तक इसके बारे में ठीक तरह से पता नहीं चला है। लगभग मेरे ख्याल से अभी तो 100 से ऊपर ओवर 100 सर्विसेज का टाइम लिमिट उस एक्ट में ही इनकॉर्पोरेट किया गया है। मेरे डिपार्टमेंट का मैं बोल सकती हूँ लगभग 15-20 सर्विसेज तो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो टाइम बाउंड है। तो वो जैसे हमने जो पार्टीशन और कन्वर्शन का सिंगल विंडो बनाया है उसमें हर स्टेप का हमने वो टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी का ही फॉलो किया है। लेकिन ये टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी क्या है, समयबद्ध सेवा की जो एक्ट है ये क्या है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो इसके बारे में हमें जानकारी पैदा करनी ही है। लगभग जो एक साधारण आदमी को जितने भी सर्विसेज चाहिए वो सब ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है, और भी बचता है कुछ कुछ लेकिन ज़्यादातर तो इंक्लूड किया गया है। लेकिन उसमें क्या है, अभी जिनको पता भी हो इसका एनफोर्समेंट भी ज़रूरी है। उस वो टाइम आउट सर्विस डिलीवरी एक्ट में ये लिखा है कि अगर मान लीजिए एक सर्टिफिकेट देने के लिए 5 दिन का टाइम है, अगर 10 दिन में भी वो सर्टिफिकेट नहीं गया और पब्लिक ने कंप्लेन किया और पाया गया कि सच में वो सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो वो आदमी के सैलरी से वो डिडक्ट होना है। जैसे RTI में फ़ाइन लगाता है कमीशन, ऐसे ही फ़ाइन लगनी चाहिए। वो एनफोर्समेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, वो यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने शुरू होने नहीं